राजस्थान में उच्च शिक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरिका सिंह गुरुकुल विश्वविद्यालय की फर्जी रिपोर्ट मामले में पुलिस से फरार चल रहे हैं, तो जयपुर के विधि विश्वविद्यालय के कुलपति देव स्वरूप अपनी डिग्री को लेकर जांच के घेरे में हैं। इससे कुलपतियों के चयन को लेकर अपनाई जाने वाली राज्य सरकार और राजभवन की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या है पूरा फर्जीवाड़ा, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन दिनों राजस्थान की उच्च शिक्षा में एक न एक कुलपति के विवादों में रहने का प्रचलन सा हो गया है। शिक्षा के मंदिर के प्रमुख गुरु यानी कुलपति ही अब फर्जीवाड़े में लिप्त हो रहे हैं। एसीबी ने अजमेर और कोटा के दो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया था। इसके बाद उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह सीकर के एक निजी विश्वविद्यालय गुरुकुल यूनिवर्सिटी की फर्जी रिपोर्ट बनाने के चलते पुलिस गिरफ्तारी से बचने को लेकर फरार चल रहे हैं। ताजा मामला जयपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर देव स्वरूप की एलएलबी डिग्री को लेकर सवाल उठ रही हैं। दरअसल डॉक्टर देव स्वरूप पूर्व में जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति थे तो उन्होंने अपने आवेदन में खुद के पास एलएलबी डिग्री होना दर्शाया था, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए आवेदन किया तो उसमें अपनी एलएलबी डिग्री छुपाई थी। इसे लेकर राजभवन ने एक जांच कमेटी गठित की। 7 जुलाई को गठित जांच कमेटी ने जब जांच शुरू की तो विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने अपनी डिग्रियों की जानकारी देने से मना कर दिया। दरअसल राजभवन को डॉक्टर देव स्वरूप की एलएलबी डिग्री को लेकर शिकायत मिली थी। इसके बाद 7 जुलाई 2022 को राजभवन ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर कैलाश सोढ़ाणी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिसमें पूर्व वीसी प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी और बॉम्ब सदस्य डॉक्टर संतोष शील को सदस्य बनाया। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जांच पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने 16 नवंबर को कमेटी को रिमाइंडर भेजा, जिसमें लिखा कि जल्द से जल्द जांच कर राजभवन को रिपोर्ट भेजें। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सोढ़ाणी ने 29 नवंबर को डॉक्टर देव स्वरूप से जानकारी मांगी। रिपोर्ट में यूजीसी में सेवा काल और उनकी एलएलबी और अन्य डिग्रियों की 4 दिन में जानकारी मांगी। 1 दिसंबर को डॉक्टर देव स्वरूप ने कहा कि डिग्री पुरानी है, ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए डिग्री ढूंढने के लिए उन्हें 2 माह का समय दिया जाए। इस पर 2 दिसंबर को कमेटी ने फिर लिखा कि 2 माह का समय नहीं दे सकते, इसलिए आप 10 दिसंबर तक अपनी डिग्रियों की जानकारी उपलब्ध करवाएं। इसके बाद फिर से 9 दिसंबर को डॉक्टर देव स्वरूप ने कहा कि मुझे 2 माह का समय दिया जाए। राजभवन द्वारा गठित जांच कमेटी ने कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप को 2 बार पत्र लिखे हैं, लेकिन दोनों ही बार देव स्वरूप ने जांच कमेटी को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। दोनों ही बार कुलपति ने अपने दस्तावेज ढूंढने के लिए 2 माह का समय मांगा। रोचक बात यह है कि फरवरी 2023 में डॉक्टर देव स्वरूप का बतौर कुलपति पद का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, यानी 2 माह बाद यदि कुलपति देव स्वरूप जवाब भी देंगे तो कमेटी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद राजभवन उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा। ऐसे में जांच से बचने के लिए देव स्वरूप जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल डिग्री का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शिकायत थी कि डॉक्टर देव स्वरूप की एलएलबी की डिग्री अमान्य है। एक ही समय में डॉक्टर देव स्वरूप द्वारा एलएलबी और पीएचडी करने की शिकायत थी, जिसके बाद राजभवन को शिकायत की गई कि एलएलबी की डिग्री की जांच कराई जाए। आरयू के वीसी के बायोडेटा में डॉक्टर देव स्वरूप ने खुद के पास एलएलबी डिग्री दर्शाई थी, लेकिन विधि विश्वविद्यालय के बायोडेटा में एलएलबी डिग्री नहीं दिखाई। दूसरी बार के वीसी के आवेदन में डिग्री छुपाई तो लोगों ने सवाल उठाए। अब कमेटी द्वारा दस्तावेज मांगने पर कह रहे हैं कि डिग्री ढूंढने को समय चाहिए। वहीं जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने वीसी डॉक्टर देव स्वरूप से उनका पक्ष जानना चाहा तो देव स्वरूप बोले कि मैंने कमेटी से समय मांगा है, कमेटी को समय पर जवाब दूंगा। कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप का कार्यकाल अब 2 माह और 12 दिन का ही बचा है और इधर वो 2 महीने का समय जवाब देने के लिए मांग रहे हैं। ऐसे में उनकी मंशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह से उच्च शिक्षा में कुलपतियों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे कि एक के बाद एक कुलपति विवादों के घेरे में घिर रहे हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।